जय भीम दोस्तों, भारत दस्तक में एक बार फिर से आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों आज की वीडियो पूरी देखना, आप लोगों को भोजन समाज के बारे में काफी सारी इन्फॉर्मेशन मिलने वाली है। तो चलिए शुरुआत करते हैं वीडियो की। दोस्तों भोजन समाज के लिए जो सबसे पहली खबर निकल कर आ रही है वो निकल कर आ रही है उत्तर प्रदेश से समाजवादी पार्टी की तरफ से। दोस्तों समाजवादी पार्टी के नेता अध्यक्ष श्री अखिलेश यादव जी ने एक बयान दिया है 2019 के महागठबंधन को लेके, और दोस्तों ये बहुत बड़ा बयान है जो उन्होंने अपनी तरफ से दिया है। दोस्तों अखिलेश यादव जी ने अपने एक बयान में कहा है कि उत्तर प्रदेश में बनने वाला महागठबंधन गैर कांग्रेसी होगा। दोस्तों आप लोगों को एक बात पता होगी, तेलंगाना के मुख्यमंत्री के चंद्रशेखर और असदुद्दीन ओवैसी गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी गठबंधन का समर्थन करते हुए आए हैं। दोस्तों समाजवादी पार्टी के अध्यक्ष अखिलेश यादव ने भी के चंद्रशेखर के गैर कांग्रेसी और गैर बीजेपी गठबंधन का जो फेडरल फ्रंट है उसका समर्थन किया है। दोस्तों मुझे ऐसा लगता है कि अखिलेश यादव जी कांग्रेस से इसलिए गुस्सा है क्योंकि उनका एक विधायक चुन के आया था मध्य प्रदेश में, लेकिन कांग्रेस ने उसे कोई मंत्री नहीं बनाया और यहाँ तक कि शपथ ग्रहण समारोह में तक नहीं बुलाया, न ही बीएसपी के दोनों विधायकों को बुलाया था। दोस्तों यह भी एक वजह हो सकती है इस बयान की। दोस्तों आपको क्या लगता है, ऐसा बयान अखिलेश यादव जी ने क्यों दिया, मुझे नीचे कमेंट में बताना। दोस्तों अगली खबर की तरफ चलते हैं। दोस्तों आप लोगों को एक बात पता होगी कि उत्तर प्रदेश की योगी सरकार ने नोएडा के सार्वजनिक पार्क में जुम्मे की नमाज पर पाबंदी लगाई है। दोस्तों इस बात को लेकर बसपा सुप्रीमो मायावती जी ने योगी सरकार को घेरा है। दोस्तों मायावती जी ने कहा है कि सार्वजनिक स्थलों पर धार्मिक गतिविधियों पर पाबंदी लगाने की कोई नीति है तो वह सभी धर्मों पर लागू हो, और उत्तर प्रदेश में जितने भी जिले हैं सभी जगह सख्ती से और बिना किसी भेदभाव के लागू हो, एक ही विशेष धर्म को टारगेट न किया जाए। दोस्तों जिस तरह से मुस्लिमों को टारगेट कर रही है योगी सरकार कि वो नोएडा में एक पार्क है, सार्वजनिक पार्क है, वहां पर जुम्मे की नमाज नहीं पढ़ सकते है। दोस्तों उनको जुम्मे की नमाज पढ़ना बहुत जरूरी होता है मुस्लिम समाज में। दोस्तों अगर किसी की धार्मिक पाबंदी लगानी है तो वो सभी धर्मों पर लागू हो ना, किसी एक पर ही लागू हो, वो जितने भी समुदाय है सब पर लागू हो और पूरे प्रदेश में लागू हो और सख्ती से लागू हो और सभी और बिना किसी भेदभाव के लागू हो, यही कहना था मायावती जी का। दोस्तों आप लोगों को पता ही होगा कि संजरी हत्याकांड में जिन लोगों को दोषी ठहराया है वह उसका चचेरा भाई योगेश, लेकिन दोस्तों इसको लेकर भीम आर्मी ने बिल्कुल असहमति जाहिर की है। उन्होंने कहा है कि ऐसा नहीं हो सकता है, भीम आर्मी ने 25 तारीख को आगरा बंद रखा था, इसी कारण से योगी सरकार और प्रशासन ने जल्दबाजी में फैसला सुनाया है। और दोस्तों इस बारे में एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद ने एक बात कही है, मैं आप लोगों को सुनाना चाहता हूँ, तो आप लोग देखिए इस वीडियो के माध्यम से। संजली के ताऊ के लड़के योगेश ने और उसके मामा के लड़के ने उसको जलाने का काम किया। अब फिर मेरी बात हुई संजली के पिताजी से, हमने कहा बताओ भैया हरिंदर कितने सहमत हो, तो उन्होंने बताया कि भैया इन्होंने बिल्कुल झूठ खुलासा किया है, मेरे भाई के बच्चों का या उनके परिवार का कोई हाथ इसमें नहीं है, इन्होंने सिर्फ भीम आर्मी के डर से कि भीम आर्मी आगरा बंद ना कर दे आनंद फानंद में खोला है। तो चलिए दोस्तों चलते हैं अब अगली खबर की तरफ। दोस्तों एबीपी न्यूज का एक सर्वे आया है उत्तर प्रदेश के चुनावों को लेकर, लोकसभा चुनावों को लेकर। दोस्तों इस सर्वे में बताया गया है कि अगर महागठबंधन हुआ तो किसको कितनी सीटें मिलेगी, अगर महागठबंधन नहीं हुआ तो किसको कितनी सीटें मिलेगी। अगर दोस्तों यूपी में महागठबंधन नहीं होता है, अगर सपा बसपा का गठबंधन नहीं होता है, तो बीजेपी अच्छे प्रदर्शन कर सकती है यूपी में, वो फिर अपने दम पर 70-72 सीटें जीत सकती है, और सपा के खाते में 4 सीटें आ सकती है और कांग्रेस के खाते में 2 सीटें और बीएसपी के खाते में 2 सीटें आ सकती है। दोस्तों अगर यूपी में गठबंधन हो जाता है सपा और बसपा का तो बीजेपी को काफी भारी नुकसान हो सकता है। समाजवादी पार्टी और बहुजन समाज पार्टी के गठबंधन को 50 सीटें मिल सकती है और 2 कांग्रेस को मिल सकती है। दोस्तों अगर इस महागठबंधन में कांग्रेस भी शामिल हो जाती है तो बीजेपी को एक बहुत बड़ा नुकसान हो सकता है यूपी के अंदर, वह यूपी में कम से कम 60-65 सीटें हार सकती है अगर सपा बसपा और कांग्रेस का गठबंधन हो जाता है यूपी के अंदर। या सपा बसपा का भी हो जाए तब भी बीजेपी को बहुत बड़ा नुकसान है और बीजेपी का पूरी तरीके से सफाया हो सकता है लोकसभा चुनाव के अंदर। दोस्तों मैं आप लोगों को एक भोजन समाज की अपडेट देना चाहता हूँ। जैसा कि आप लोग जानती है कि भोजन समाज के साथ कितना उत्पीड़न होता है कॉलेज और यूनिवर्सिटीज में, जैसा कि मैंने अपनी एक पहले वीडियो में बताया था आपको कि IIT रुड़की जैसे बड़े संस्थान में एक भोजन समाज की लड़की के साथ, एक दलित छात्रा के साथ किस तरह से उत्पीड़न हुआ था। अगर आप लोग वो वीडियो देखना चाहते हैं
तो ऊपर आई बटन में वो वीडियो है, आप लोग वहां से जाके देख सकते हैं। दोस्तों इस बारे में भीम आर्मी पहले भी अनाउंस कर चुकी थी, भाई चंद्रशेखर राजद पहले भी बता चुके थे कि जिस तरह से IITs, NITs और यूनिवर्सिटीज में, कॉलेजों में बहुजन समाज के छात्रों के साथ अत्याचार होते हैं, इसको लेकर भीम आर्मी कुछ बड़ा प्लान कर रही है। तो दोस्तों उन्होंने एक प्लान कर चुका है, भीम आर्मी ने अपने ऑफिशियल पेज पर एक अनाउंसमेंट करी है, उन्होंने एक नया संगठन बनाया है बहुजन समाज के छात्रों के लिए, उस संगठन का नाम है भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन। दोस्तों इस बारे में बताने के लिए एडवोकेट चंद्रशेखर आजाद और उत्तराखंड के भीम आर्मी के चीफ और वो छात्रा जिसका उत्पीड़न हुआ था IIT रुड़की में, और वह तीनों लाइव आए थे भीम आर्मी के ऑफिशियल पेज पर और वहां पर उन्होंने इस बात की घोषणा करी। तो दोस्तों मैं आप लोगों को पहले वो वीडियो दिखा देता हूँ, उसके बाद बताऊंगा कि आप भीम आर्मी का स्टूडेंट फेडरेशन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। वैभवी वो बहादुर लड़की है जिसने रुड़की IIT में जो उत्पीड़न जो हो रहा था हमारी बहन के ऊपर, उसके खिलाफ संघर्ष किया, आवाज बुलंद की। अक्सर ऐसा होता है कि लड़कियां जो हैं वो इन चीजों को इग्नोर कर देती हैं, उससे क्या होता है कि दूसरे लोगों के हौसले बढ़ जाते हैं। तो महक ने और मैं उत्तराखंड की पूरी टीम ने और हमारे यूपी से भी साथियों ने, सहारनपुर जिले की टीम ने इस लड़ाई को मिलकर लड़ा। दोस्तों आप लोगों ने वीडियो देखा ही होगा, अब मैं आपको बताता हूँ कि आप भीम आर्मी का स्टूडेंट फेडरेशन कैसे ज्वाइन कर सकते हैं। तो दोस्तों उन्होंने अपने ऑफिशियल पेज पर ही वीडियो के साथ एक लिंक भी बनाई थी और वो लिंक उन्होंने बार बार पोस्ट भी करी है अपने ऑफिशियल भीम आर्मी के पेज पर, या फिर वो लिंक मैं आपको नीचे डिस्क्रिप्शन में प्रोवाइड करवा दूंगा और अपने कमेंट बॉक्स में भी नीचे प्रोवाइड करा दूंगा, आप वहां से जाकर वो फॉर्म भर सकते हैं। दोस्तों उस फॉर्म के अंदर आपको अपना नाम भरना है, अपना कॉन्टेक्ट नंबर भरना है और अपने कॉलेज का नाम भरना है और जो भी छोटी मोटी इन्फॉर्मेशन होगी वो सब भरना है, उसके बाद आप लोग भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर बन जाएंगे। दोस्तों ये गूगल के द्वारा भरा जाएगा ये फॉर्म, तो आपकी ये जो लिंक है जो मैंने नीचे डिस्क्रिप्शन में दी है और कमेंट बॉक्स में दी है, ये गूगल पे जाकर खुलेगी, आप वहां पर जाकर आसानी से भर सकते हैं और भीम आर्मी स्टूडेंट फेडरेशन के मेंबर भी बन जाएंगे। दोस्तों मैं आप लोगों से कहना चाहूंगा, अगर आप एक छात्र है और भीम आर्मी से प्रभावित है और आपको ये पहल अच्छी लगी है तो वो फॉर्म आप लोग जाके भर सकते हैं, उसका मैंने नीचे लिंक दे चुका हूँ। दोस्तों आज की वीडियो में बस इतना ही, अगर आप लोगों को ये वीडियो पसंद आई हो तो प्लीज इसे लाइक मारे, कहीं मत जाना। दोस्तों अगर आप बहुजन समाज से अपडेट रहना चाहते हैं, बहुजन समाज की हर न्यूज पाना चाहते हैं और बहुजन समाज में क्या क्या हो रहा है सब कुछ जानना चाहते हैं तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और बाजू में ही नोटिफिकेशन बेल का ऑप्शन है उसे दबा दीजिए और हमारे चैनल के परमानेंट मेंबर बन जाइए। तो दोस्तों आप लोगों का वीडियो देखने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए जय भीम जय भारत।